जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कही जाने वाली ग्राम पंचायत पागबड़ा के नगर पंचायत बनाए जाने के ऐलान के बाद पागबड़ा की आवाम का उत्साह देखते ही बन रहा है। पागबड़ा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कांट विधायक अनीसुर रहमान के पागबड़ा आगमन की सूचना पर पागबड़ा वासियों द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रविवार को पागबड़ा पहुंचे कांट विधायक अनीसुर रहमान सैफी का पागबड़ा क्षेत्रवासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पागबड़ा पेट्रोल पंप पर कांट विधायक के स्वागत में खड़े पागबड़ा के स्थानीय निवासियों ने फूलमालाएं पहनाकर उन्हें मुबारकबाद दी। उसके बाद कांट विधायक के साथ उनके समर्थकों ने पैदल ही पागबड़ा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर क्षेत्रवासियों का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद पागबड़ा की अजीजी मार्केट पहुंचे कांट विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी हाजी तबारक व हाजी रईस द्वारा कांट विधायक को मिठाई खिलाकर खुशामदीद कहा गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी हाजी तबारक ने कहा, एक बहुत लंबी जंगी थी हमारे विधायक जी ने, इसका तो बहुत सालों से चल रहा था लेकिन बार बार रह जाता था। उन्होंने विधायक जी की मेहनत में दो रंग लाया कि ना होते हुए भी इस बार कोई चांस नहीं लग रहे थे। विधायक जी ने अपनी मेहनत से और ये पागबड़ा को नगर का दर्जा दिलवा दिया। इसके लिए मैं और सारे पागबड़ा वासी इनके शुक्रगुजार हैं। और जितनी बड़ी एक जगह हो गई है पागबड़ा, जितनी बड़ी बस्ती हो गई है, उस हिसाब से ग्रामीण विकास नहीं हो पा रहा था। अब इंशाल्लाह इनकी जो ये मेहनत है अब पागबड़ा में चमक दिखाई दे। पानी वानी में जो वहीं अन्य वक्ताओं द्वारा कहा गया, नजर आती थी आज 2017 में वो आंधी नजर आती है। जिधर को निकलते हैं तो भारी तूफान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के दरियापुर बूथ नंबर एक पड़ता है, बूथ नंबर एक से शुरू हो जाइए सलेमपुर गढ़ी काट बेगमपुर मुख्तारपुर नवादा भीकनपुर छजलैंड रवाना पागबड़ा तक आ जाइए। एक जबरदस्त तूफान है और यही हाल दरभंगा पार है कि हम लोग 10 साल से मेहनत कर रहे थे जो नगर पंचायत के लिए, और हम लोगों की मेहनत रंग नहीं ला पा रही थी। हमें किसी की ज़रूरत थी और वो ज़रूरत हमारे अनीसुर रहमान सैफी साहब ने पूरी की। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोकने के लिए तो आगे थे और करने के लिए पीछे थे, और आज जब नगर पंचायत हो गया है तो कहते हैं हम बहुत आगे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे कांट विधायक अनीसुर रहमान सैफी एडवोकेट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पागबड़ा को नगर पंचायत बनाने के लिए उनके द्वारा काफी प्रयास किए गए, लेकिन पागबड़ा की आवाम की दुआओं के चलते मेरी मेहनत रंग लाई और पागबड़ा नगर पंचायत बन गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पागबड़ा के कुछ लोग नगर पंचायत बनाने में अपनी भूमिका गिना रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। उन्होंने मंच के माध्यम से ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया, लगातार मेरे दिल को उसने मतलब ठेस पहुंचाई है पागबड़े के अंदर। बिरादरी बात की इस मायने में मैं खत्म करता हूं आपके बीच में कह के, कोई भी नेता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो बिरादरी बात करेगा कभी कामयाब नहीं हो सकता। और इस आपके खादिम ने प्रधानी से लेकर जिला पंचायत तक और जिला पंचायत से लेकर विधानसभा का सफर तब पूरा किया है जब बिरादरी बात नहीं किया है। अगर किसी को शक शुबा मेरे बारे में हो तो भाई मैं हाथ जोड़कर आपसे दरखास्त करता हूं, आप मेरे मामलात में कोई क्या करता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मामलात में इस मामले को खत्म कर दो और मुझसे कभी उम्मीद मत करना। आपकी नगर पंचायत का मामला ये ऐसा मामला था कि मैंने इतना काम यहाँ कराया, कम से कम 2.5 करोड़ का काम हमने यहाँ कराया, कुछ अपनी निधि से कराया कुछ सरकार से कह के कराया, लेकिन तब भी काम ऐसा लगता था कि पागबड़े में काम नजर नहीं आता था। और जो हम काम कराते थे यहाँ के लोग अपने बताया करते कि ये काम हम करा रहे हैं। बड़ी साफ परेशानी हमारे सामने थी, हम अपने आप को क्यों इस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे, क्योंकि पागबड़ा के आवाम का वोट डालते वक्त हम पर यकीन नहीं था।
ये एक मजबूरी हुई हमारे साथ। अगर लोगों ने साथ तो दिया लेकिन यकीन नहीं कर पाए, हम पे विश्वास नहीं कर पाए कि ये विधायक बन भी सकते हैं, ये अंदाजा, ये उम्मीद नहीं थी। अगर विश्वास हो गया होता तो कोई दूसरा आदमी हमारे काम को अपना काम न बताता, बल्कि मैं ये ऐलान करता हूं मेरा नहीं, वो जनता का काम था, जिस जनता ने हमें वोट दिया था, जिस जनता ने खून पसीना हमारे लिए बहाया था और जिस जनता के वोट से हम बने, तभी तो ये काम हुआ। इन सब कामों का श्रेय मैं पागोड़ा की आवाम को देता हूँ। उस दिन आपकी नगर पंचायत नहीं बनी और हवानपुर बन गई। आपको तो परेशानी थी लेकिन आपसे ज्यादा परेशानी मुझे थी कि अल्लाह ताला मैं किस मुंह से पागोड़ा के अंदर जाऊंगा, मैं क्या उनको जवाब दूंगा लोगों को, जिनके लिए मैं मशक्कत करता था, जिनके जिन लोगों ने मुझे मुहिम पकड़ाई थी। हमारे तबारक साहब भी इस मुहिम में शामिल थे, उन्होंने मुझसे कहा यार विधायक जी काम कराओ पागोड़ा को नगर पंचायत बनाने का। माशूक अली साहब है, इन्होंने मुझसे कही था भागा, और 500 आदमी हमारे मोहित शर्मा बैठे हैं, ये टेलीफोन किया करते थे बीच बीच में कि विधायक जी इस मामले को आप जिंदा रखो। हमने इस मामले को सिर्फ मुरादाबाद में जिंदा नहीं रखा बल्कि विधानसभा में भी क्वेश्चन किए आपके बारे में। आपके पंचायत का मामला विधानसभा के सेशन में भी हमने उठाया है। हमारे पास सवालों की नकल भी है और सरकार के आए हुए जवाब भी है। जवाब चलते फिरते आदमी को नहीं देती सरकार, जो जो नुमाइंदे हैं विधानसभा में बैठने वाले उनको जवाब आता है। तो ये सब उन लोगों की सोच, उन लोगों की खिदमत और उन लोगों के तजुर्बे की बात है कि नगर पंचायत बननी चाहिए। इन लोगों के नाम मैंने आपको गिनाए हैं। इस मौके पर इजाबुल प्रधान पागबड़ा के पूर्व प्रधान माशूक अली, रईस अहमद, हाजी साजिद हुसैन, नाजिर हुसैन, जुल्फुकार अली, इंतखाब अली।